नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे आज एसएसपी कार्यालय पहुंचे और वहां पे उन्होंने औचक निरीक्षण किया, और साथ ही साथ उन्होंने जिस तरह से कल पटना पुलिस को भारी बड़ी कामयाबी मिली थी कि जिस तरह से जकनपुर थाना अंतर्गत जो पीएनबी बैंक से 52 लाख की लूट हुई थी, उसके 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही साथ इसी को लेकर आज गुप्तेश्वर पांडे जितने भी उस टीम के 23 मेंबरों थे उनको सम्मानित किया है, और उनका क्या कुछ कहना है पहले आप वो सुने। पटना रेंज के आईजी और एसएसपी और सिटी एसपी सहित सारी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस अंधे केस को, ब्लाइंड केस को किस तरह से कितने कम समय में खोला, और आप बाकी तो जानते ही हैं कैसे कैसे लोग थे और कितनी तैयारी के साथ उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था। मोबाइल फोन तक का यूज नहीं किया था, लीड मिलना बहुत कठिन था। और इतनी ही बात नहीं है, ये जानकारी मिली है कि ये गिरोह बहुत दिनों से पटना में सक्रिय था। इसने बहुत सारे अन्य कांडों को भी अंजाम दिया है, जिसके कारण बहुत सारे कांडों पर से भी पर्दा उठने की संभावना उठा हुई है। तो मैं इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, इसी के लिए मैं आया। और जैसा कि आपने सुना, कैश अवार्ड सारे पदाधिकारियों को दिया गया है, 5,000 रुपया एसपी साहब की तरफ से, सीनियर एसपी साहब की तरफ से 10,000 रुपया, आईजी साहब की तरफ से। मैं इस पूरी टीम को, जो 23 लोग हैं, इनको 2,30,000 रुपये अपनी तरफ से देने की घोषणा करता हूँ। ये पैसा कुछ नहीं है, लेकिन इनका एक मनोबल बढ़ाने के लिए कि पुलिस परिवार सिपाही से लेकर के और एसपी तक सारे लोगों ने लग करके जिस तरह से ये काम किया है, उससे पुलिस का मनोबल काफ़ी बढ़ा है, जनता में काफ़ी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुआ है, और सरकार आपकी इस उपलब्धि से खुश। धन्यवाद। तो आपने सुना डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से बिहार पुलिस और साथ ही साथ पटना पुलिस कार्य कर रही है, उस पर हम काफ़ी उनको बधाई देते हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि सूबे में जितने भी क्राइम ग्राफ हो रहे हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा कम है, और ऐसा नहीं है कि सूबे में क्राइम नहीं हो रहा है, पर हमारी पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है। बहरहाल, आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।